आदरणीय सभापति जी एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होल्ले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई, कहां छोड़ा था कहां जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो यहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे, एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया, जितनी गलत बातें एलआईसी को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टैंडी भाई है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। जो आदरणीय सभापति जी अब प्रचार किया जा रहा है, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए, अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में, अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, आज 254 है, 234 थे आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया, क्या क्या कर रहे हो आप लोग। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 2014 से 2014 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उसी यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी, हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए,
बाजार में हरा हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहां दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए थे, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्म्य समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, अब कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोना रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहां किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहां मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर, उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहां एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूं। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए। कन्नड़िग
ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ।